good morning students today's part is very interesting that is determination of molecular mass and determination of percentage composition of each elements in the given compound before that two definitions are there first one is molecular formula and second one is empirical formula what is the definition of molecular formula Molecular formula of a compound is the formula which indicates the actual numbers of atoms of the constituents elements in a molecule. It is known as molecular formula. What is molecular formula? Molecular formula of a compound is the formula which indicates the actual numbers of atoms. Of the constituents elements in a molecule, it is known as molecular formula. For example, molecular formula of glucose, glucose containing 6 carbon, 12 hydrogen, and 6, six oxygen. So, actual numbers of carbon 6 hydrogen, 12 and oxygen, 6. So, that is why the molecular formula of glucose is C6H12O6, that is molecular formula. Once again, Molecular formula of compound is the formula which indicates the actual number of atoms of the constituents' elements in a molecule. This is known as molecular formula. Now, empirical formula. What is empirical formula? The simplest ratio of atoms, the simplest ratio of atoms of the constituents' elements in a molecule is called empirical formula. The simplest ratio of atoms of the constituent element in a molecule is called the empirical formula. For example, what is the molecular formula of glucose? C6H12O6, and the empirical formula of glucose is CH2O. This is the simplest ratio CH2O. Glucose, uh, sorry. ग्लूकोज uh, के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सिक्स से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला सी एच टू ओ दिस इज द एम्पेरिकल द सिंपलेस्ट रेशर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ओके नाउ द डिफरेंट पार्ट फाइंड आउट द मॉलिक्युलर मास मॉलिक्युलर मास इससे पहले हमने निकाला है यहां पर अभी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दिए हैं

and 10 hydrogen, 5 H2, that is, 5 2s are 10, 10 hydrogen, okay, sorry, 10 hydrogen, okay, so, therefore, 1 copper, copper, that is, 63.1 into 63.5, 1 sulfur, 1 into 32, uh, 9 oxygen, 9 into 16, plus 10 into 1 hydrogen, atomic mass of hydrogen is 1, 10 into 1, so, 63 1s are 63.5, 1s are 63.5, 32 1s are 32, plus 16 9s are. फोर्टी फोर प्लस टेन वन जा टेन इन चारों की एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा टू फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल पर मोल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कंटेनिंग हाउ मास टू फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल ओके दिस इज द मोलार मास ऑफ कॉपर सल्फेट हाइड्रेट नाउ यहां पर अभी आगे पांच एग्जाम्पल दिए हैं मैं जो एक्सप्लेन कर रहा कराऊँ वो एक्स एक्सप्लेनेशन आप ठीक से पढ़ेंगे ठीक से सुनेंगे तो आपको बाकी के एग्जाम्पल इजिली सॉल्व करने आएंगे ओके सो सेकेंड एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट यू हैव टू सॉल्व दिस वन ऑल दिस फाइव एग्जाम्पल्स सोडियम कार्बोनेट डेक्का हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डेक्का मीन्स टेन हाइड्रेट मीन्स वाटर टेन वाटर इट कंटेनिंग टेन वाटर सोडियम कार्बोनेट डेक्का हाइड्रेट हैविंग फॉर्मूला एन डॉट टेन एच टू सो एन ए टू सी ओ थ्री कंटेनिंग टू एन ए वन कार्बन हाउ मेनी ऑक्सीजन आर साधे थर्टीन वाटर में दस है और सीओ थ्री में तीन है टेन ऑक्सीजन एंड ट्वेंटी हाइड्रोजन ओके सेकेंड वन मोहार सॉल्ट मोहार सॉल्ट उसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्जाहाइड्रेट फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्जाहाइड्रेट इन दिस मॉलिक्यूल या इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से आइटम देखो एफ ही एक है सल्फर दो है एफ ई एक है एसओ फोर एस फोर में दो सल्फर है नाइट्रोजन दो है ऑक्सीजन टोटल कितने है? देखो ये आठ एसओ फोर में चार एस फोर में चार आठ हो गए और वाटर में छः आठ और छः चौदह ऑक्सीजन हो गए ओके हाइड्रोजन टोटल कितने है? देखो एच टू में बारह है और यहाँ पर एन एच फोर में दो आठ है फोर टू ज़ा एट प्लस सिक्स टू जी ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस एट दैट इज ट्वेंटी हाइड्रोजन एफ ई ए सल्फर दो है ऑक्सीजन आठ और छ बारह uh, ऑक्सीजन है सॉरी आठ और ये छः, आठ और छह ऑक्सीजन है नाइट्रोजन uh, दो है हाइड्रोजन कितने हैं आठ और दस आठ और बारह बीस हाइड्रोजन है ओके नेक्स्ट वन इज लेड फॉस्पेट पी वी थ्री पी ओ फोर ट्वाइस इसमें देखो पी लेड लेड के तीन आइटम्स है फॉस्फरस के दो आइटम है, ऑक्सीजन के एट एट आइटम्स है ओके okay? uh, उसके बाद सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉसफेट टेट्राहाइड्रेट ये मैंने सॉल्व किया है आगे यहां पर मैंने सॉल्व किया है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसका नाम है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट इट इज ऑल नोन एज कॉस्मिक सॉल्ट सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्पेट टेट्राहाइड्रेट कॉस्मिक सॉल्ट हैविंग फॉर्मूला एन फोर एच टू टेट्राहाइड्रेट इसमें चार वाटर मोलिक्यूल है ओके अभी यहाँ पर एटॉमिक मास दिए हैं हाइड्रोजन का एक है ऑक्सीजन का सिक्सटीन है नाइट्रोजन का फोर्टीन है सल्फर का थर्टी टू फॉस्फोरस थर्टी वन आयन फिफ्टी सिक्स सोडियम ट्वेंटी थ्री पोटेशियम थर्टी नाइन क्रोमियम फिफ्टी टू आर ऑल आर इन ग्राम सभी मासेस वो ग्राम में है ओके नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ट इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट सो कैलक्यूलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड ठीक से सुनो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो ठीक से सुनेंगे तो आपको या आगे मैंने जो एग्जाम्पल दिए वो इजिली आपको सॉल्व करने आएंगे इसलिए ठीक से सुनो ओके कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड कंपाउंड यह है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट दैट इज सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्पेट हाइड्रेट ओके एन ए एन एच फोर एच पी ओ फोर फोर एच टू ओ ओके सो मोलार मास कैसे निकालें देखो यहाँ पर एन ए कितने हैं <coughs> सोडियम एक है नाइट्रोजन एक है हाइड्रोजन थर्टीन एक है क्या देखो यहाँ पर एन एच फोर में चार है एच पाँच हो गए और वाटर में आठ पाँच और आठ थर्टीन ओके okay? उसके बाद आयोड सॉरी फास्फोरस कितना है एक फास्फोरस है और ऑक्सीजन टोटल कितने देखो वाटर में चार है पीओ फोर में चार है सो फोर प्लस फोर एट एन ए वन वन नाइट्रोजन थर्टीन हाइड्रोजन वन फॉस वन फॉस्फोरस एंड एट ऑक्सीजन सो एन का आइटम मास ट्वेंटी थ्री नाइट्रोजन का फोर्टीन हाइड्रोजन का वन फॉस्फोरस का थर्टी वन और ऑक्सीजन का सिक्सटीन सो मल्टीप्लीकेशन ट्वेंटी थ्री प्लस फोर्टीन प्लस थर्टीन प्लस थर्टी वन सिक्सटीन वन ट्वेंटी एट एट जा वन ट्वेंटी एट और इन पांचों फैक्टर का एडिशन करेंगे तो आंसर आता है मोलार मास ऑफ़ दिस माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट इज 209 ग्राम पर मोल वन मोल ऑफ माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट कंटेनिंग हाउ मेनी ग्राम 209 ग्राम पर मोल ओके नाउ इन दिस सॉल्ट एने एच पी ओ फोर फोर एच टू दिस माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एन एन के पार्ट्स कितने हैं सोडियम सोडियम के पार्ट्स है ट्वेंटी थ्री एन ए ट्वेंटी थ्री पार्ट्स ट्वेंटी थ्री पार्ट्स ऑफ एन ए फोर्टीन पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन थर्टीन पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन सोडियम एक है मतलब उसका आइटम मास ट्वेंटी थ्री मतलब इस सॉल्ट में ट्वेंटी थ्री ग्राम एन ए है फोर्टीन ग्राम नाइट्रोजन है थर्टीन ग्राम हाइड्रोजन है और फास्फोरस थर्टी वन ग्राम फास्फोरस है और ऑक्सीजन कितने पार्ट है वन ट्वेंटी एट इन सभी को मिलाने के बाद कितना हो जाता है टू हंड्रेड एंड नाइन इन पांचों के एडिशन करेंगे तो कितना आता है टू हंड्रेड एंड नाइन मीन्स दिस सॉल्ट कंटेनिंग हाउ मनी पार्ट ऑफ सोडियम ट्वेंटी थ्री हाउमिनी पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन फोर्टीन हाउ मनी पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन थर्टीन एंड हाउ मनी पार्ट्स ऑफ फॉस्फोरस थर्टी वन एंड लास्ट वन ऑक्सीजन कंटेनिंग टू वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट पार्ट्स ओके अभी इन सभी पार्ट का हमें

टू हंड्रेड परसेंटेज निकालना है इसलिए हंड्रेड है, से मल्टीप्लाई करना टू हंड्रेड एंड नाइन टू हंड्रेड सो हंड्रेड से ट्वेंटी थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टू थ्री जीरो जीरो हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी थ्री को आ गया टू थाउजेंड थर्टीड्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड एंड नाइन बाई टेकिंग लॉक ऑफ दिस फैक्टर परसेंटेज ऑफ एन इकोल्ड टू एंटी लॉक उसकी कैरेक्टरिस्टिक थ्री है ट्वेंटी थ्री का लॉग है थ्री सिक्स वन सेवन टू जीरो नाइन का क्या, टू जीरो नाइन की कैरेक्टरिस्टिक है टू और उसका लॉग है थ्री टू ज़ीरो वन और इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा वन पॉइंट ज़ीरो फोर वन सिक्स तो एंटी लॉग देखना है इसका वन पॉइंट सब्सट्रैक्शन आ गया वन पॉइंट जीरो फोर वन सिक्स और एंटीलॉग ऑफ जीरो फोर इन वन सिक्स जीरो फोर का वन सिक्स में एंटीलॉग देखेंगे तो आ गया 11.01 पॉइंट <coughs> जीरो वन वन कैरेक्टरिस्टिक डोनेट करनी है तो दो नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देना है इलेवन पॉइंट जीरो वन दिस इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वॉट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास जिसके परसेंटेज निकालने हैं उसके पार्ट्स लेने हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास इन टू हंड्रेड ओके सो देर फोर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू फोर्टीन डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड हंड्रेड से अभी हंड्रेड से फोर्टीन को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया वन फोर जीरो जीरो डिवाइडेड बाई टू जीरो नाइन टेकिंग लॉग ऑफ दिस फैक्टर वी गेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एंटी लॉग कैरेक्टरिस्टिक थ्री पॉइंट लॉग वन फोर सिक्स वन माइनस टू जीरो नाइन की टू पॉइंट थ्री टू जीरो वन सभी टू जीरो नाइन लॉग वही देखना पड़ेगा सभी जगह पर सो इट इज थ्री टू जीरो वन एंटीलॉग इनका सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या आ गया देखो सब्सट्रैक्शन यहाँ पर माइनस आ गया कैरी इसलिए मैंने दिखाया वहां पर सो एंटीलॉग जीरो पॉइंट एट टू जीरो सिक्स सब्सट्रैक्शन देखो मैं फिर से बताता हूँ क्योंकि यही सब्सट्रैक्शन बहुत लोगों को समझ नहीं है वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो सिक्स माइनस जीरो सिक्स फोर माइनस टू टू ओके अभी वन में से थ्री नहीं जाता इसलिए ऊपर मैंने इलेवन कर दिए इलेवन में से थ्री गए कितने रह गए बघा मराठीमध्ये बऱ्याच मी मराठीमध्ये काही वेळेस एक्सप्लेनच करत नाही आहे इथे वजाबाकी बघा कशी आहे एकातून एक गेला शून्य सहातून शून्य गेले सहा राहिले सहा चारातून दोन गेले राहिले दोन आता एकामधून तीन जात नाही त्यामुळे वरती अकरा केले कॅरी घेतला वरती त्यामुळे एकाचं झाला अकरा अकरामधून तीन गेले राहिले आठ आता वरती दिलेला एक खाली घ्यायचं आहे पण खाली तो दिलेला एक खाली घेताना मायनस घ्यायचं आहे का बरं सबस्ट्रॅक्शन आहे सबस्ट्रॅक्शन असताना कॅरी मायनस घ्यायचा आणि ॲडिशन असताना कॅरी प्लस घ्यायचा आहे त्यामुळे वरती दिल्या दिलेला एक मी इथे खाली घेतो आहे तो झाला मायनस वन मग मायनस टू अँड मायनस वन मायनस थ्री आणि वरती प्लस थ्री आहे प्लस थ्री मायनस थ्री झिरो आलं लक्षात सो so, दिस इज क्या किया आहे देखो फिरसे वन मायनस वन झिरो सिक्स मायनस झिरो सिक्स फोर मायनस टू टू वन में से थ्री नहीं जाता इसलिए वो ऊपर कर दिया मैंने एक कैरी ले लिया इलेवन हो गया एलेवन में से थ्री गए एट रह गए एट ले लिया एट रह गए अभी ऊपर जो दे दिया है मैंने कैरी वो नीचे आएगा वो नीचे आते वक्त तो माइनस हो जाएगा क्योंकि सब्सट्रैक्शन है तो माइनस वन हो जाएगा ऊपर माइनस टू है और ये माइनस वन हमने ले लिया माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री और ऊपर है प्लस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री जीरो तो अभी एटी टू का सिक्स में एंटीलॉग देखना है तो एंटी लॉग है 6693 और जीरो अभी कैरेक्टरिस्टिक डोनेट करनी है जीरो में एक ऐड कर देंगे वन हो गया वन डेसिमल के बाद पॉइंट दे देंगे 6.699 दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ओके नाउ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटमाइन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू हंड्रेड ओके सो देर फोर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन इज थे थर्टीन डिवाइड बाई टू हंड्रेड एंड नाइन इन टू हंड्रेड सो थर्टीन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा वन थ्री जीरो जीरो डिवाइडेड बाई टू जीरो नाइन टेकिंग लॉग अभी इसका लॉग देखेंगे ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक है थ्री और नीचे की टू थर्टीन uh, का जीरो में लॉग लॉग है वन वन थ्री नाइन ट्वेंटी का नाइन में लॉग है थ्री टू जीरो वन सब्सट्रैक्शन कितना आएगा ज़ीरो पॉइंट सेवन नाइन थ्री एट ओके और इसका एंटीलॉग देखेंगे एंटीलॉग किसका देखेंगे सेवन नाइन का थ्री एट में तो आएगा सिक्स टू टू ज़ीरो और जीरो है इसलिए उसमें एक जीरो में एक ऐड कर देंगे और वन डेसिमल के बाद पॉइंट देंगे आ जाएगा सिक्स पॉइंट टू टू ज़ीरो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन ओके ना परसेंटेज ऑफ फॉस्फरस परसेंटेज ऑफ फॉस्फरस इट इज इक्वल टू पार्ट ऑफरस डिड बाई मोलारंड्रेड परसेंटेज ऑफ फॉस्परस डिड बाई मोलारंड्रेड मोलारा जरूरी है अगर आपको मोलार मास पता नहीं होगा तो आपको परसेंटेज निकालने नहीं आएंगे ओके सो देर फोर परसेंटेज ऑफ फॉस्परस इज इक्वल टू पार्टोरस इज थर्टी वन डिवाइड बाई टू जीरो इंटू हंड्रेड थर्टी वन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया थ्री वन जीरो जीरो डिवाइड बाई टू जीरो टेकिंग लॉग अभी परसेंटेज ऑफ इज इक्वल टू एंटीलॉग थ्री वन जीरो जीरो की कैरेक्टरिस्टिक थ्री और थर्टी वन का जीरो में फोर नाइन वन फोर और टू जीरो नाइन का लॉग पता है हमें थ्री टू जीरो वन ओके सब्सट्रैक्शन करने के बाद आ गया एंटीलॉग वन पॉइंट वन सेवन वन थ्री ओके अभी वन सेवन का वन थ्री में एंटीलॉग है वन फोर एट फोर और वन है उसमें वन कैरेक्टरिस्टिक डोनेट करना है वन पॉइंट इसलिए वन में वन ऐड कर दिया टू आ गया टू टू नंबर के बाद पॉइंट दे देना है दैट इज फोर्टीन पॉइंट एटी फोर ओके टेजिमेंट इज़ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू ऑफ़ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई हंड्रेड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन टू पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एट सबसे पार्ट ऑक्सीजन हैल्टीप्लाई कर दिया गया जीरो टू जीरो नाइन टेकिंग लॉग लॉग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पहले की कितनी आएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एंटी लॉग वन टू एट जीरो जीरो की कैरेक्टरिस्टिक फोर और लॉग ट्वेल्व का एट में है वन जीरो सेवन टू एंड ट्वेंटी का नाइन में आप, आपको पता है थ्री टू जीरो वन उसकी कैरेक्टरिस्टिक टू माइनस टू पॉइंट थ्री टू जीरो माइनस क्यों किया डिवाइडेशन आएगा तो माइनस और मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस ओके okay? अभी इसका सब्सट्रैक्शन आ गया है वन पॉइंट लॉग वन पॉइंट सेवन एट सेवन वन तो 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 अभी अभी देखना है 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 का में में आएगा आएगा और ऐड कर दिया 2 आ गया 2 के बाद देना है, तो आएगा so, therefore, अभी इन सभी परसेंटेज को ऐड करना है और सभी परसेंटेज अगर हंड्रेड आ गए कितने एलिमेंट थे पांच पांचों के पांचों एलिमेंट के परसेंटेज की एडिशन करनी है और वो परसेंटेज अगर हंड्रेड आ गए तो आपका आंसर करेक्ट है तो देखते हैं टोटल परसेंटेज़ ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट इज़ है सोडियम का है इलेवन पॉइंट इलेवन इलेवन पॉइंट जीरो वन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन है हाइड्रोजन का सिक्स पॉइंट टू टू है फॉस्फोरस uh, का फॉस्फोरस का फोर्टीन पॉइंट एटी फोर और ऑक्सीजन का है

atoms of the elements which constitute the molecule it is known as molecular formula and empirical formula the formula that gives the simplest ratio of atoms of elements it is known as empirical formula तो so, आपको molecular formula empirical formula determine करना है आगे के lecture में ok तो अभी example दिए हैं यहाँ पर सात उस सात example आपको determine करने हैं element के atomic masses आपको दिए हैं इस इसमें पहले ही शुरू में ही मैंने atomic masses दिया है पहला benzene छः कार्बन छः हाइड्रोजन ग्लूकोज छः कार्बन बारह हाइड्रोजन छः ऑक्सीजन नाइट्रिक एसिड एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन आपको मॉलिकुलर मास निकालना ही है मॉलिकुलर मास अगर आप निकालेंगे नहीं तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे ओके फॉस्फोरिक एसिड ती थ्री हाइड्रोजन वन फॉस्फोरस फोर ऑक्सीजन पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम टू क्रोमियम दो ऑक्सीजन सात लेड फॉस्फेट लेड फॉस्फेट का मॉलिकुलर आपने निकाला है पी बी थ्री पी ओ फोर ट्वाइस इसमें पी बी तीन है फॉस्फोरस एक है ऑक्सीजन आठ है एसिडिक एसिड acid में दो कार्बन है चार हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन है तो आपको इन सभी में परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने हैं सभी एलिमेंट के परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हुए आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा तभी आपको आंसर मिलेगा दिस इज द टू डेज पार्ट ओके समझ में आया होगा uh, आपको आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीडियो आपको ठीक से सुनना पडेगा तभी आपको समझ में आएगा अगर आप व्हिडिओ कोई भी व्हिडिओ कोई किसी भी सब्जेक्ट के व्हिडिओ अगर आप ठीक से नहीं सुनेंगे जर तुम्ही प्रत्येक विषयाचा व्हिडिओ व्यवस्थित पाहिला नाहीत तर तुम्हाला अजिबात काहीही कळणार नाही साठ ते सत्तर टक्के विद्यार्थी मला रिप्लाय देत आहेत साठ ते सत्तर टक्के विद्यार्थी मला रिप्लाय देतायत पण जे तीस टक्के मला सगळ्या शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना कळेल असं मला मला पाहिजे पण द जे तीस टक्के विद्यार्थी राहतात त्यांना प्रॉब्लेम काय ते मला कळत नाही त्यांना जे प्रॉब्लेम असतील त्यांनी विचारावं आणि मी व्यव दिवसभर चोवीस तासापैकी बऱ्याच वेळ मी मोबाईलमध्येच असतो क कर, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना रिप्लाय दे, देता यावा मी माझे नोट्स मी स्वतः तयार करतो मी स्वतः या नोट्स तयार करतो आहे माझ्या लिहिण्यामध्ये मा या नोट्स तयार करण्यामध्ये मी आधी तयार केलेल्या नाही आहेत नोट्स मी आत्ता तुम्हाला शिकवण्याच्या आधी या नोट्स तयार करतो आहे त्यानंतर मी आहे पुस्तकामध्ये बघा या पद्धतीने दिलेलं असेल तर मला सांगा अजिबात पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये नाही आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिलेले हे मॉलिक्युलर सुद्धा तुमच्या पुस्तकात नाही आहेत त्यामुळे पुस्तकाच्या पलीकडे सुद्धा मी शिकवण्याचा प्रयत्न करतो त्यामुळे हंड्रेड पर्सेंट विद्यार्थ्यांनी शिकून घ्यावं जेणेकरून तुम्हाला नीट आणि जेईला कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही ज्या विद्यार्थ्यांना पुढे मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगला जायचे त्या विद्यार्थ्यांना कुठलाही प्रॉब्लेम येऊ नये त्या उद्देशाने मी शिकवण्याचा प्रयत्न करतो आहे मग सत्तर टक्के विद्यार्थी जर रिप्लाय देत असतील मग तीस टक्के विद्यार्थी रिप्लाय काय न देत हा मोठा प्रश्न आहे तर मी त्या तीस टक्के विद्यार्थ्यांना अगदी हात जोडून विनंती करतो मी रिक्वेस्ट करतो हात जोडून तुम्हाला जर काही कळत नसेल तर प्लीज त्या पालकांनाही मी विनंती करतो जे रिप्लाय करत नाहीत ज्या जे पाल्य रिप्लाय करत नाहीत त्यांच्या पालकांना मी विनंती करतो प्लीज त्यांना तुम्ही वेळ द्या आणि विचारा का तुम्ही रिप्लाय काय नाही देत आहेत त्यामुळे आजचा पार्ट हा इथे संपलेला आहे थँक्यू